हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रश्मि। रश्मि फूड मैजिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही टेस्टी रेसिपी। ये है पालक की पूड़ी बनाने की रेसिपी। तो आज मैं बना रही हूँ पालक की पूड़ी। इसको बनाना बहुत ही आसान है। चाटे चल रहे हैं इसमें, मार्केट में पालक बहुत अच्छे से मिल रही है, तो आप इसको लाकर पालक की पूड़ी बना सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले एक बड़े बर्तन में पानी को चढ़ा दिया है, पानी खौलने लगा है। इधर मैंने पालक को अच्छी तरीके से भीन कर धो लिया था। अब इसको हमें इसमें डाल देना है। तो अपनी सारी पालक को मैं इसमें डाल दूंगी। तो बस 1 से 2 मिनट तक हमें इसमें खौलते पानी में इसको छोड़ना है। तो पालक हो चुकी है ठंडी। अब हमें एक मिक्सी का जार ले लेना है। इसमें डाल दी मैंने लहसुन की कुछ कलियां और ये अपनी बॉइल की हुई ठंडी की हुई पालक। इसके साथ हम इसमें डाल देंगे 1 से 2 हरी मिर्च। इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। इधर डो बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने गेहूं का आटा और बेसन दोनों लिए हैं। आप बराबर मात्रा में भी ले सकते हैं या आप 2:1 का रेशियो ले सकते हैं। अगर आपने 2 कटोरी आटा लिया है तो 1 कटोरी बेसन ले सकते हैं। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है। अब हम इसमें डाल देंगे ऑयल। तो 2 से 3 बड़े चम्मच मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है। नमक। अब हम इसमें डाल देंगे भुना जीरे का पाउडर। आप चाहे तो आप खड़ा जीरा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने जीरे को पहले भून कर रख लिया था, इसका मैंने पाउडर बना लिया। उसके पहले हम डाल देंगे इसमें हींग। अब हम डाल देंगे 1/2 चम्मच जीरा पाउडर। अब हम डाल देंगे पालक की पूरी जो बना कर रख ली थी। तो बिना पानी के इसको हमने ग्राइंड किया है। ये देखिए कितना गाढ़ा लग रहा है पेस्ट आपको, बस इसको डाल देना है। एडिशनल कोई भी इसमें पानी वगैरह भी नहीं डालना है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे थोड़ा थोड़ा करके। तो पालक की पूड़ी बनाना बहुत ही आसान है। अगर आप बाहर जा रहे हैं या आप बच्चों को भी लंच बॉक्स में देना चाहते हैं तो इस तरीके की पालक की पूड़ी बनाकर उनको दे सकते हैं। ये खाने में थोड़ा टेस्टी लगती है और बहुत ही हेल्दी होती है। तो बस इस तरीके से हमें इसको मिक्स करना है। अब जो मिक्सी के जार में हमारी पालक लगी हुई थी उसमें पानी डालकर हम इसको डाल लेंगे। अलग से कोई भी पानी नहीं डाला है, मैंने बस पालक का ही पानी डाला है। अब इसको फिर से अच्छे से मिक्स करके हमें इसको डो फॉर्म में ले आना है। बहुत अच्छी तरीके से इसको मिक्स करना है। देखिए कलर भी बहुत अच्छा आता है। तो डो बनकर रेडी हो गया है। अब हम इस पर ऊपर से थोड़ा सा ऑयल और डाल देंगे। अब इसको अच्छे से हम ऐसे देखिए मसल मसल के इसको स्मूथ बना लेंगे। आटा जितना अच्छा बनेगा पूड़ियाँ उतनी ही अच्छी बनेंगी, उतनी ही क्रिस्पी बनेंगी। तो जो भी एक्स्ट्रा लगा हुआ उसको अच्छे से स्मूथ कर दिया है। तो ये देखिए डो बनकर रेडी हो गया है। ना बहुत हार्ड है ना बहुत सॉफ्ट, मीडियम डो बनाकर हमें रेडी कर लेना है। तो ये देखिए डो रेडी हो गया है। अब जो भी एक्स्ट्रा ऑयल लगाया था उससे भी हम इसको अच्छे से ऐसे मिक्स कर लेंगे। तो डो रेडी हो गया है। अब इसका एक स्मॉल पोर्शन ले लिया है, इसको ऐसे गोल गोल कर लेना है। अब हम बराबर के पेड़े बना लेंगे। तो ये देखिए एक हाथ से ऐसे पकड़ के हमें बराबर जगह पर ऐसे इसको कट कर लेना है। तो आपको जितनी बड़ी पूड़ी बनानी है आप उस हिसाब से पोर्शन ले सकते हैं। यहाँ पर मैं मीडियम साइज़ की पूड़ी बना रही हूँ तो मैंने मीडियम ही पोर्शन ले लिया है। अब क्या करना है, अब इसको एक एक हम लेते जाएंगे और इसको चिकना करते जाएंगे जिससे कि हमें पूड़ी बनाने में कोई भी दिक्कत ना हो। ये देखिए ऐसे पेड़े जैसे बना लिया है। तो फटाफट अब मैं सारे पेड़े बनाकर तैयार कर लूंगी। तो ये देखिए सभी पेड़े बनकर तैयार हो गए। अब हमें क्या करना है, हमें हल्का सा ले लेना है ऑयल। तो ऑयल की हेल्प से जब हम बनाते हैं तो जो भी हमारा पूड़ी वाला घी है वो ख़राब नहीं होता है। अब बस हल्के हाथ से हमें इसको गोल गोल बेल लेना है। तो इस तरीके से देखिए बहुत हल्के हाथों से बेलना है, क्योंकि यहाँ पर हम कोई भी सूखा आटा डालने वाले नहीं हैं, बस ऑयल की हेल्प से ही हम इसको बना रहे हैं। तो ये देखिए पूड़ी बनकर तैयार हो गई है। उठा कर दिखा देती हूँ मैं। हल्के हाथों से उठा रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पर कोई भी सूखा आटा यूज़ नहीं किया है, तो हो सकता है ये नीचे की तरफ चिपके, तो हल्के हाथ से उठाना है। तो ये देखिए पूड़ी कितने आसानी से बन गई है। और रही कलर की बात, तो बहुत ही अच्छा ग्रीन कलर आया है, बच्चे देखते ही खुश हो जाएंगे। तो बस ऑयल गर्म कर लिया है, अब इसको हमें पकाना है। तो फ्लेम को स्टार्टिंग में कर देंगे हाई जिससे ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए। अब हल्के हल्के हाथों से चलाते हुए हम अपनी पूड़ी को दोनों तरफ सुनहरा भूरा होने तक सेक लेंगे। तो पूड़ी फूल रही है ये देखिए। तो उलट पलट करके इसको अच्छी तरीके से हम पका लेंगे। तो इसको आप गर्मा गर्म चाय के साथ, आप इसको
अचार के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो है ना बनाना कितना आसान। तो अब आप भी बनाइए फटाफट पालक की पूड़ी और अच्छे से इंजॉय करिए। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा, जिससे कि आपको मेरे नए आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो फिर मिलती हूँ एक इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, टेक केयर।